सो अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल करवाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल करवाना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके इंस्टाग्राम रील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील को अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी में शूट करते हो, एडिट भी करते हो, पर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि आप जब उसे अपलोड करते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम इसकी क्वालिटी यहाँ से यहाँ तक गिरा देता है। पर आज मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन लाया हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम रील की क्वालिटी को बिना गिराए कैसे आप इंस्टाग्राम रील पर अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना अगर आप नहीं देखोगे इसमें आपका ही लॉस होगा। सो हे गाइस, निकित पॉल हेयर एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इंस्टाग्राम ग्रोथ, इंस्टाग्राम ट्रेंड, इंस्टाग्राम के टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता हूँ, और वो भी रेगुलरली। तो ज़्यादा सोचो मत, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो क्वालिटी गिर जाने की प्रॉब्लम है ये हम ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र को आती है, पर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं आपको एक और बोनस टिप बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी आईफोन लेवल वाला कर सकते हो। बस इसके लिए आपको लास्ट वाला बोनस ट्रिक देखना पड़ेगा। तो अभी शुरू करते हैं हमारे तीनों ट्रिक को। तो सबसे पहला जो ट्रिक है कि आपको अपने वीडियो को बैक कैमरा से शूट करना है। तो ज़्यादातर लोग इसी में गलती कर देते हैं कि लोग अपने वीडियो को फ्रंट कैमरा से शूट करते हैं। तो हमारे कैमरा क्वालिटी फ्रंट कैमरा से कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे बैक कैमरा की क्वालिटी होती है। तो इसीलिए आप जब भी वीडियो शूट करते हो बैक कैमरा से ज़रूर कीजिएगा। और उसी के साथ आपको अपने कैमरा के सेटिंग्स में जाके आपको वीडियो रेजोल्यूशन में ये वाला रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है, और आपको वीडियो फ्रेम रेट में जाके मतलब कि FPS में जाके आपको 60 FPS पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है ओपन कैमरा, और उसके बाद आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और फिर उसे ओपन करके आपको वीडियो में जाना है। वीडियो में जाते ही आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो सेटिंग आ रहा है। वीडियो सेटिंग पे आपको जाके आपको वीडियो रेजोल्यूशन लिखा आ रहा है, सबसे पहले आपको वहाँ पे जाके आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, 16:9 पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, एंड देन आपको यहाँ पे देख सकते हो वीडियो फ्रेम रेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको 60 पे कर देना है, और उसके बाद आपका हो गया, आप ओपन कैमरा से अपने रील्स को शूट कर सकते हो। तो वीडियो को शूट करने के बाद आप उसे एडिट तो करते ही होंगे, तो आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, VN, InShot या फिर किसी भी ऐप का। पर आपको ध्यान यही रखना है कि आप जब इसे सेव करते हो उस वीडियो को एडिट करके, आपको एकदम हाई क्वालिटी जो कि एकदम हाईएस्ट क्वालिटी होता है उस पर आपको सेव करना है, आपको उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा भी कम करना नहीं है। तो अब हमारा काम हो गया, वीडियो बनके तैयार है, अब आती है बारी वीडियो को अपलोड करने की। पर उससे पहले मेन काम यहीं पे आता है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, एक और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको सर्च करना है वीडियो कन्वर्टर, एंड देन आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करते ही आपके ऐप पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद आपको वीडियो कन्वर्टर पे क्लिक करना है, एंड देन आपके ऐप पे ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करते ही आपके ऐप पे देख सकते हो आपके ऐप पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, आपको गैलरी पे जाना है, आपका जो वीडियो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके ऐप पे ऐसा आएगा, ठीक है, तो यार इस ऐप में कुछ एड्स आते हैं, इग्नोर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ये कि आपका रेजोल्यूशन हाईएस्ट पे हो, रेजोल्यूशन पे क्लिक करके आपको देखना है कि हाईएस्ट पे है कि नहीं। उसके बाद आपको सेम टू सेम जो था वही रहने देना है, बस रेजोल्यूशन को हाईएस्ट पे कर देना है। फिर आपको कॉम्प्रेस पे क्लिक करना है, जब आप कॉम्प्रेस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर आप इसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका वीडियो कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो आपके वीडियो पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम लेगा, आपके वीडियो के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 5-6 मिनट तक लेता है। और उसके बाद आपका जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा मतलब कि सेव हो जाएगा, आपको सिंपल इंस्टाग्राम में जाना है और उस वीडियो को अपलोड कर देना है, आपकी वीडियो की क्वालिटी नहीं गिरेगी। 180p पे है तो 180p पे ही रहेगा, 4K है तो 4K ही रहेगा। तो बता देता हूँ कि क्यों नहीं गिरेगा इसका क्वालिटी, क्योंकि इंस्टाग्राम जब भी किसी वीडियो को अपलोड करता है तो अगर 50MB का वीडियो है तो उसे 25MB करके कंप्रेस करके अपलोड करता है, पर आपने इसे पहले ही कंप्रेस करके अपलोड किया है तो वो अभी कंप्रेस नहीं करेगा। तो चिंता मत करो, ऐसे वीडियोज अपलोड करो वैसे का क्वालिटी ही रहेगा। तो अगर आप वीडियो को देखते देखते आखिर तक पहुँच गए तो आपके लिए बोनस टिप रेडी है। तो अगर आप अपने वीडियो को हाई क्वालिटी में अपलोड करते हो तो सही है, और उसी के साथ अगर आप कुछ ऐसे फिल्टर्स है अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो आपके वीडियो की क्वालिटी आईफोन जैसी हो जाएगी। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आप सभी लोगों को बताया 5 ऐसे अमेजिंग इंस्टाग्राम रील्स के फिल्टर्स जो कि आपको यूज़ करना चाहिए अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, आईफोन जैसी क्वालिटी करने के लिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये वही वाला वीडियो है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।